वहीं उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी के बाद शुक्रवार को उनका पूरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया। राजभवन में आयोजित समारोह में 11 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे भी शामिल किए गए। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को तीरथ की टीम में जगह दी गई है। मंत्रिमंडल के गठन में राजनीतिक अनुभव के अलावा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई। नए मंत्रिमंडल में गढ़वाल मंडल से 4 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली है। कैबिनेट में 4 मंत्रियों के साथ पौड़ी गढ़वाल का दबदबा भी देखने को मिला। कुमायूं मंडल से भी 4 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। तीरथ मंत्रिमंडल में यूपी और उत्तराखंड में 4 बार मंत्री रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, खंडूड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल, 3 बार के विधायक गणेश जोशी, हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस दिग्गज हरीश रावत को चुनाव हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद के नाम भी शामिल है। और कौन कौन कैबिनेट मंत्री बने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, डॉक्टर हरत सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, और विधानसभा सीट उनकी कौन सी है, जिला कौन सा पड़ता है उनकी विधानसभा सीट के मद्देनजर ये सारी चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। यशपाल आर्य का नाम भी, जो कि बाजपुर विधानसभा सीट से, धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल विधानसभा सीट से, पौड़ी गढ़वाल जिले से, स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से हरिद्वार जिले से, रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा सीट से, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, डॉक्टर हरत सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, ये वो तमाम नाम जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।